हेलो एवरीवन, दिस इज देवाशीष मिश्रा। सो बीपीयूटी के तरफ से अभी अभी एक इम्पोर्टेंट एंड ए न्यू नोटिस आ चुका है। सो उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्या है वो नोटिस? वो तुम लोग के लिए जो बीटेक स्टूडेंट, ज़्यादा लोग मेरे बीटेक है और एमटेक भी स्टूडेंट है, क्या तुम लोग के लिए वो हेल्पफुल होगा? सो उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। डेफिनेटली हेल्प होगा। जो नोटिफिकेशन आया है आज, मैं भी देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैं भी खुश हुआ। बीपीयूटी कॉलेज के बारे में इतना सोच रहा है, अगर जो चीज़ के लिए बीपीयूटी ये नोटिफिकेशन निकाला है, अगर तुम्हारा कॉलेज उसी के अंडर चले जाते हैं तो तुम लोग का डेफिनेटली डेवलपमेंट होगा। एक्चुअली ये जो नोटिफिकेशन है ये रिसर्च ओरिएंटेड है, ओके? सो हम लोग जब प्रोजेक्ट करते हैं फाइनल ईयर में, अगर हम लोग रिसर्च ओरिएंटेड करेंगे और कुछ पेपर पब्लिकेशन, तुम लोगों को पता होगा जो एमटेक स्टूडेंट, उन लोगों को तो डेफिनेटली पता है, लेकिन जो बीटेक स्टूडेंट है, क्या है पेपर पब्लिकेशन, स्कोपस, एससीआई, यूजीसी अप्रूव क्या है? सो तुम लोग को पता लगेगा। लाइब्रेरी में अगर अप्रूव्ड होगा ई जर्नल डाउनलोड करने के लिए, तो तुम लोग को डेफिनेटली हेल्प होगा। सो उसके ऊपर वो नोटिफिकेशन है, मैं डिटेल में बताऊंगा तुम लोगों को। सो वीडियो को देखो, तुम लोगों को डेफिनेटली हेल्प होगा, ओके? सो नोटिफिकेशन क्या है मैं बता देता हूँ। द बीपीयूटी ओडिशा राउरकेला इनवाइट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम द प्रस्पेक्टिव नॉन ऑटोनोमस अफिलेटेड और नॉन ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस और सीएपीजीस, सेंट्रल गवर्नमेंट आरडी ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड विद इन बीपीयूटी जुडिशिएशन विद इन द स्टेट ओडिशा टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द बीपीयूटी नोडल सेंटर ऑफ रिसर्च। बीपीयूटी का नोडल सेंटर बनेगा रिसर्च के लिए, बीपीयूटी एनसीआर उसको बोला जाएगा। द एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट ड्यूली साइंड बाय द रेस्पेक्टिव हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मीन्स तुम्हारा कॉलेज का जो प्रिंसिपल होंगे, नीड टू बी सबमिटेड बाय द स्पीड पोस्ट सो एज टू रीच द अंडरसाइंड ऑन और बिफोर 31/3/2023 एट बीपीयूटी से। तो जो फॉर्मेट है उसको फिलअप करके 31 से पहले रीच होना चाहिए। एप्लीकेशन विदाउट सिग्नेचर और इनकम्प्लीट इन एनी रेस्पेक्ट शैल नॉट बी एंटरटेन, ओके? तो क्या है मैं डिटेल में बताऊंगा तुम लोगों को। तो एप्लीकेंट इंस्टीट्यूशन और इट्स डिपार्टमेंट व्हिच फुलफिल्स द रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मे बी रिकॉग्नाइज्ड एंड डिक्लेयर्ड एज बीपीयूटी एनसीआर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। जो डिपार्टमेंट, सपोज इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी मेटालोजी, जो भी ब्रांच है, अगर वो जो रिक्वायरमेंट है बीपीयूटी का, जो बीपीयूटी ने रिक्वायरमेंट मांगा है, अगर फुलफिल कर जाता है तो फिर 3 ईयर के लिए परमिशन मिल जाएगा रिसर्च के लिए, पीएचडी के लिए, ओके? 2022-23, 2324-2425 व्हिच मे बी एक्सटेंडेड फॉर द पीरियड सब्जेक्ट टू बी सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। द बीपीयूटी एनसीआर शैल बी एलिजिबल फॉर रनिंग पीएचडी प्रोग्राम अंडर बीपीयूटी एज पर द बीपीयूटी पीएचडी रेगुलेशन 2019। सो बहुत सारे स्टूडेंट है जो हायर स्टडी के लिए पूछ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ये नोटिफिकेशन। देखो बीपीयूटी में अभी क्या हो रहा था, जो सीएपीजीएस में वो पीएचडी में जो एनरोल करते हैं, तुम लोग देखे होंगे नोटिफिकेशन, पिछले काल शायद नोटिफिकेशन आया था पीएचडी अवार्डेड के लिए नोटिफिकेशन। सो हम लोगों को क्या करना पड़ता था, राउरकेला जाना पड़ता था। अगर भुवनेश्वर में कुछ कॉलेज नोडल सेंटर हो जाएगा तो सोचो कितना हेल्पफुल होगा हम लोग के लिए। तुम्हारा कॉलेज का भी इंप्रूवमेंट होगा, स्टूडेंट लोग का भी इंप्रूवमेंट होगा, और आगे तुम लोगों को देखना है कि कितने बढ़िया बढ़िया टीचर आ जाएंगे तुम्हारा कॉलेज में, वो भी मैं दिखाऊंगा क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सो डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन रिसर्च पॉलिसी एंड गाइडलाइंस फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बीपीयूटी नोडल सेंटर ऑफ रिसर्च बीपीयूटी एनसीआर एलिजिबल क्राइटेरिया डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शंस एंड एक्टिविटीज एप्लीकेशन फॉर्मेट आर अवेलेबल इन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, यहाँ पर अवेलेबल है। मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को क्या क्या चाहिए एक्चुअली। देखो application for recognition of college or institution organization department has approved nodal center of research bpt odisha, name of the address
कॉलेज का नाम, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ईयर ऑफ कमर्समेंट पीजी प्रोग्राम, मतलब एमटेक इसमें है कि नहीं, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट, ओके, यूजीसी ऑटोनोमस स्टेटस, नेम एड्रेस मुंबई, वो डिटेल में भरना पड़ेगा, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, नेम ऑफ द एचओडी विद फोन नंबर, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, स्पेशलाइजेशन ऑफर, जो डिपार्टमेंट का एमटेक है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, सो नेम ऑफ द डिपार्टमेंट लिखना होगा, एचओडी का नाम लिखना होगा, मेल आईडी विद फोन नंबर, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कौन सा ईयर में वो एस्टेब्लिश हुआ है, वो सब एंसर करना पड़ेगा, ये सब फुल फिलफिल करना पड़ेगा, ओके, एक्रेडिटेशन वगैरह, एनबीए नाक जो जो है वो सब फुलफिल करना पड़ेगा। एनक्लोजर चेकलिस्ट, क्रॉस चेक डिमांड ड्राफ्ट 10,000 का, अंडरटेकिंग बाय द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द बीपीयूटी, इंफॉर्मेशन ऑफ फैकल्टी मेंबर, लिस्ट ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन, लिस्ट ऑफ जर्नल्स, लिस्ट ऑफ आरडी, थोड़ा सा आगे चला है, ओके, यहां पर अंडरटेकिंग है, तुम लोग देख सकते हो, वी हियर बाय सर्टिफाइड दैट ऑल द डिटेल्स एंड अदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव आर ट्रू एंड करेक्ट, वी एग्री टू हैव जॉइंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑन द रिसर्च वर्क एंड कंटेंट्स ऑफ द पीएचडी विद द बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी, सो तो अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, फुल सिग्नेचर ऑफ द प्रिंसिपल और डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट, फुल सिग्नेचर ऑफ द चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रस्ट, ओके, देन इंफॉर्मेशन ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स होल्डिंग पीएचडी डिग्री इन द डिपार्टमेंट ऑफ द पीजी प्रोग्राम, देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है और तुम लोग के लिए कितना हेल्पफुल होगा, नेम ऑफ द फैकल्टी विथ क्वालिफिकेशन डेजिग्नेशन, इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी फ्रॉम व्हिच पीएचडी इज ऑब्टेंड, फर्दर एलिजिबिलिटी फॉर रिकॉग्नाइज्ड एज सुपरवाइजर ऑफ बीपीयूटी एज पर बीपीयूटी पीएचडी रेगुलेशन 2019, सो वो जो टीचर अपॉइंटमेंट होंगे वो पीएचडी होना जरूरी है, वो पीएचडी करने के गाइड करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, रिसर्च एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ पेपर्स, स्कोपस एससीआई पेपर पब्लिश्ड, सो ये सब डिटेल डिटेल में चाहिए, अगर ये हो जाता है तो कॉलेज के लिए डेफिनेटली अच्छा होगा। सो यहाँ पर भी देख सकते हो, लिस्ट ऑफ जर्नल पब्लिकेशन फ्रॉम फैकल्टी विथ लास्ट 5 ईयर, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द फैकल्टी, टाइटल, जर्नल नेम, नेम ऑफ द नेम, ईयर, मंथ ऑफ पब्लिकेशन, वॉल्यूम, नेम ऑफ द ऑथराइज पब्लिश्ड जर्नल, स्कोपस इंडेक्स और एनी यूजीसी, एससीआईआर स्कोपस और यूजीसी, सो ये जो जर्नल से मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, तुम लोगों को शायद पता नहीं, जर्नल क्या होता है, तुम लोग जो प्रोजेक्ट किए हो, सपोज बीटेक में तुम प्रोजेक्ट किए हो, जो प्रोजेक्ट तुम किए हो, थोड़ा बहुत न्यू काम किए हो, उसको लिख कर जर्नल, बहुत सारे जर्नल है उसको भेजना है, अगर वो थोड़ा सा भी न्यू काम होगा वो पब्लिश कर सकते हैं, सो वो तुम लोगों को कैसे पता चलेगा, जो तुम लोगों का गाइड होंगे वो तुम लोगों को सजेस्ट करेंगे कि ये जर्नल को भेजो, स्कोपस जर्नल को भेजो, कि एससीआई जर्नल को भेजो, कि यूजीसी लिस्टेड, तो तुम्हारा काम के ऊपर डिपेंड करता है, ओके, सो वो करने से क्या होगा, तुम लोगों को रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा कि वो स्टूडेंट एक पेपर पब्लिकेशन कर चुका है, सो उसमें क्या होगा, जहाँ पे तुम लोग जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, सो उस टाइम क्या होगा, वो प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं, पेपर के बारे में पूछेंगे, उनको भी थोड़ा तुम इम्प्रेस कर सकते हो, ठीक है, सो बीटेक स्टूडेंट के लिए इतना ही, लेकिन जो एमटेक पीएचडी स्टूडेंट है उन लोगों के लिए ज्यादा जानना जरूरी है, ये सब चीज है। यहाँ पर देख सकते हो, लिस्ट ऑफ जर्नल्स और ई जर्नल्स सब्सक्राइब बाय द इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी, देखो वो क्या चीज है, लाइब्रेरी में देखो क्या क्या जर्नल तुम्हारा है, सो सपोज तुम एक जर्नल लिखना चाहते हो, सो तुमको कुछ जर्नल फॉलो करना पड़ेगा, ओके, सो इसलिए जो एससीआई स्कोपस बाय यूजीसी जर्नल है वो डायरेक्टली नहीं खुलेगा, गूगल सर्च करके तुम पेपर नाम लेके वो डायरेक्टली नहीं खुलेगा, सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक सब्सक्राइब करना पड़ेगा कॉलेज को, ओके, उसमें कुछ पैसा लगेगा, सो फिर तुम ओपन कर सकते हो, क्लिक करके ओपन कर सकते हो यूजर आईडी पासवर्ड देके, ओके, सो वो अप्रूव होना जरूरी है, लिस्ट ऑफ जर्नल्स और ई जर्नल सब्सक्राइब बाय द इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी,
serial number, name of the journal, how many journal you have subscribed, journal name, availability of journal period, hard copy available hai ki nahi, soft copy details, discipline, international journal, hard copy of e-journal, national journal, international hai, national hai. So ye sab cheez agar ho jayega college mein, to socho tumhara kitna development ho sakta hai. Okay, so ye sab hona zaruri hai, phir tumhara college बन सकता है नोडल सेंटर. ये भी एक बढ़िया चीज है. लिस्ट ऑफ R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कैरिड आउट बाय द डिपार्टमेंट एंड लिस्ट ऑफ द रिसर्च एनी अदर ग्रांट्स सैंक्शन टू द डिपार्टमेंट. अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट तुम्हारा कुछ काम किए हो सो फिर सैंक्शनिंग एजेंसी क्या है, डेट ऑफ द सैंक्शन, नेम ऑफ द प्रिंसिपल एंड को इन्वेस्टिगेटर्स, सैंक्शन अमाउंट, स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट, तो वो अगर है तो फिर इजीली अप्रूव हो जाएगा. अगर ये चीज भी कॉलेज करने की कोशिश करेंगे तो बीटेक स्टूडेंट लोगों को डेफिनेटली हेल्प होगा. वो कुछ रिसर्च के बारे में उन लोगों को पता लगेगा. अभी देखो इंडियन गवर्नमेंट रिसर्च के लिए बहुत सारे पैसा खर्च कर रहा है. देख सकते हो तुम लोग जब एमटेक गेट क्वालिफाई करके एमटेक करने के लिए जाते हो तो तुम लोगों को स्टाइपेंड मिलता है 12,000 का. देन पीएचडी के लिए अभी 30,000 हो गया है. सो रिसर्च के लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी होने वाला है. सो अगर ये सब चीज बीपीटी अगर सोच कर रहा है तो डेफिनेटली एक प्रोग्रेसिव स्टेप है, डेफिनेटली तुम लोगों को हेल्प होगा. अगर बीटेक से भी तुम्हारा ये सब चीज में आइडिया हो जाता है तो फिर डेफिनेटली तुम जब हायर स्टडी करोगे एमटेक और पीएचडी डेफिनेटली तुम लोगों को हेल्प होगा. नेम ऑफ द एप्लीकेशन, एप्लीकेंट इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, पीजी प्रोग्राम में 30 मार्क्स रिक्वायर्ड, फैकल्टी मेंबर्स 10, देन योर फैकल्टी पब्लिकेशन में 10, लैबोरेटरी एंड फैसिलिटी में 20, लाइब्रेरी विथ ई जर्नल फैसिलिटी 10, अदर फीचर्स एंड आयरन डिपोजिट्स टोटल 100 मार्क्स. डेट ऑफ विजिट सजेशन, सो ये डिटेल है नोटिफिकेशन के बारे में, तुम लोगों को बता दिया. अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना. कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताना. न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना. ऐसे न्यू अपडेट तुम लोगों को हर दिन मिलता रहेगा. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ. थैंक यू.